गुड मॉर्निंग, मैं शिवाशीष सुमन, आप देख रहे हैं PCS एकेडमी पटना। आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑपरेशन अनथिंकेबल। ऑपरेशन अनथिंकेबल ये रूस के द्वारा चलाया जाने वाला एक खुफिया सैनिक अभियान है, और ये सैनिक अभियान यूरोपीय देश, विशेषकर फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध रूस चलाएगा। ये न्यूज चर्चा में आया द पॉलिटिको न्यूज एजेंसी के द्वारा। ये द पॉलिटिको ये न्यूज एजेंसी है यूएसए का। कहाँ का है? यूएसए का न्यूज एजेंसी है। ये कवर करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजनीति को, ये कवर करता है राजनीति से संबंधित, इंटरनेशनल अफेयर से संबंधित न्यूज को ये कवर करता है द पॉलिटिको न्यूज एजेंसी। ये खबर लीक कर दिया है, ये खबर लीक कर दिया किसका? रूस का, कि एक ऑपरेशन अनथिंकेबल ये चलाने वाला है, विशेषकर यूरोपियन कंट्री में फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ। ये अमेरिका के खिलाफ भी रहेगा, लेकिन ज़्यादा इसका असर फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ रहेगा। इसके तहत रूस क्या करेगा कि फ्रांस और ब्रिटेन का जितना भी परमाणु ठिकाना है उस ठिकाने पर जाके हमला करेगा, और उस परमाणु ठिकाना को तहस नहस कर देगा। हम लोग को लग रहा होगा कि रूस को कैसे पता चलेगा कि फ्रांस अपना परमाणु को कहाँ छिपा कर रखा है, परमाणु ठिकाना कहाँ बना कर रखा है, या ब्रिटेन अपना परमाणु ठिकाने कहाँ बना कर रखा है। तो जैसे कि भारत और पाकिस्तान अपना परमाणु ठिकानों का सूची को आदान प्रदान करता है, इसलिए आदान प्रदान करता है ताकि कभी युद्ध का परिस्थिति हो जाए तो गलती से जाकर परमाणु ठिकाने पर हमला ना हो जाए, इससे महाविनाश होगा। इसलिए पहले ही बता दिया जाता है कि यहाँ पर परमाणु ठिकाना है, ठीक है ना। इसी तरह सभी देश एक दूसरे को बता के रखते हैं कि हम कि कहाँ कहाँ पर हम परमाणु ठिकाना बना के रखे हुए हैं, ताकि वहाँ पर हमला गलती से ना हो जाए। इस तरह से रूस को तो पता है कि फ्रांस कहाँ कहाँ पर परमाणु ठिकाना बना कर रखा है, ब्रिटेन कहाँ कहाँ पर परमाणु ठिकाना बना कर रखा है। अब रूस सोच रहा है कि अचानक बिना किसी को बताए हुए अचानक से चकमा देते हुए इनका परमाणु ठिकाना पर हमला कर देना है और तहस नहस कर देना है। अब ऐसा लग रहा है कि ये रूस अभी यूक्रेन से भिड़ा हुआ था, तो ये अब फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका से क्यों भिड़ना चाह रहा है? अगर उससे भिड़ना के मतलब यूरोपियन कंट्री से भिड़ना, मतलब नाटो कंट्री से भिड़ना, और मतलब कि World War III को निमंत्रण देना हो जाएगा, तो आखिर क्यों रूस World War III को निमंत्रण देना चाह रहा है? तो यहाँ पर हुआ ये, अमेरिका ने यूक्रेन को अभी हाल ही में परमिशन दे दिया है, सहमति दे दिया है कि अमेरिकी हथियार को यूक्रेन सिर्फ सेल्फ डिफेंस में प्रयोग न करे, बल्कि रूस में घुस के मारे, उसका उपयोग अब रूस के खिलाफ करे। पहले अमेरिका कहा था यूक्रेन को कि मेरा जितना भी हथियार है केवल तुम सेल्फ डिफेंस में यूज करना, कि अमेरिका चलाएगा तो तुम उसको रोकने के लिए उपयोग करना। लेकिन अब अमेरिका परमिशन दे दिया है यूक्रेन को कि जितना भी अमेरिकी हथियार तुमको सप्लाई किया जा रहा है, तुम अब रूस पे भी अटैक करना, सिर्फ सेल्फ डिफेंस में नहीं, रूस पे भी अटैक करना। वहीं फ्रांस ने स्पष्ट कर दिया है कि वह रूस के विरुद्ध यूक्रेन के सेना को ट्रेनिंग देगा और अपना सेना को यूक्रेन में उतार रहा है। तो निश्चित ही अब युद्ध भयावह स्थिति में जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। जो रूस यूक्रेन में था, युद्ध हो रहा था, अब यूरोपियन कंट्री की ओर बढ़ रहा है, और वो विश्व युद्ध 3 की तरफ मूव कर रहा है, धीरे धीरे ये मूव कर रहा है। तो यही है रूस का ऑपरेशन अनथिंकेबल। ये ऑपरेशन कभी पास्ट में, पूर्व में चर्चिल और स्टालिन के समय में चलाने का सोचा जा रहा था, लेकिन अमेरिका और रूस के विरुद्ध में शायद ये ऑपरेशन अभी ही हो जाए, जैसा कि ये द पॉलिटिको न्यूज एजेंसी का न्यूज है। और अगर ऐसा हो जाता है, परमाणु ठिकाना पर हमला कर देता है, तो ये World War III की ओर निश्चित ही ये युद्ध बढ़ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। कैसा लगा वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और